सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य आज दोबारा हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की मैनेजमेंट की कहानी है आदर्श मैनेजमेंट। आदर्श मैनेजमेंट होता क्या है यह जानने के लिए सुनते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है एक प्रोजेक्ट से, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर करीबन 70 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन पर काम को ख़त्म करना है। मैनेजमेंट का और बॉस का प्रेशर बना हुआ है। इस प्रेशर के अंदर सभी जितने लोग काम कर रहे हैं सभी के ऊपर मानसिक शारीरिक हर तरह का दबाव बना हुआ है, और इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अगर सामान्य कोई व्यक्ति है तो तुरंत ही उस प्रेशर से अपने आप को मतलब विस्फोट त्रस्त मान महसूस करेगा। यहाँ भी सब त्रस्त तो हैं लेकिन कोई भी जॉब छोड़ नहीं रहा है, कोई भी नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा है और ना ही कोई कंप्लेंट कर रहा है। वजह क्या है इसको समझते हैं एक घटना से। उसी प्रोजेक्ट के एक वैज्ञानिक का एक दिन सुबह सुबह अपने बॉस के कैबिन में गए और बॉस से कहा कि सर, मैंने अपने बच्चों से एक वादा किया है, आज 5:30 बजे मैं उनको मेले में घुमाने के लिए ले जाने वाला हूँ, ऐसा मैंने उनको कमिट करके आया हूँ, तो कृपया आज मुझे आज शाम को 5:30 बजे आने की अनुमति दीजिए। प्रेशर ज़बरदस्त था, प्रोजेक्ट टाइम लिमिट के अंदर ख़त्म करना था, लेकिन सीनियर बॉस ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, 5:30 बजे आप छुट्टी लेके जा सकते हैं। फिर वो वैज्ञानिक अपने काम में जुट गए, अपने काम में लगे रहे, उनका काम धीरे धीरे समाप्त ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उनका काम ख़त्म हुआ उन्होंने समेटा अपने काम को और घड़ी की तरफ देखा तो चौंक गए कि अरे ये तो 8:30 बज रहे हैं। अब 8:30 बजे का टाइम देखकर उनको सबसे पहला झटका लगा कि उन्होंने उनके बच्चों को जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट वो पूरा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो बच्चों का के अपने आप को बच्चों का दोषी समझने लगे, गुनहगार समझने लगे, पत्नी को क्या जवाब देंगे यह भी एक टेंशन था। फिर भी अब समय निकल चुका था, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, समय की रेत है बह गई। उन्होंने बॉस के कैबिन की तरफ देखा, कैबिन खाली था। फिर वो घर के लिए निकले और घर पहुंचते पहुंचते दुनिया भर के विचार उनके दिमाग में चल रहे थे कि क्या जवाब देंगे, बच्चों को क्या जवाब देंगे, पत्नी को क्या जवाब देंगे, ज़रूर आज एक शिकायत का माहौल होगा घर के अंदर और उसे संभालना वो कैसे है इसके भी किसी के बारे में वो सोच रहे थे। लेकिन घर पहुँचे, अब घर पहुँच के घबराते हुए अंदर घर में गए, देख रहे हैं तो उनकी पत्नी बैठकर एक सोफे पे किताब पढ़ रही है। उनको था कि जैसे ही मुझ पे नज़र पड़ेगी तो कुछ ना कुछ भड़केंगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे वे घर में गए तो पत्नी ने कहा कि आइए, क्या सीधा ऑफर किया उनको कि भाई कॉफ़ी लेना चाहेंगे या फ्रेश होके सीधा भोजन करेंगे। तो उनको ज़रा थोड़ा आश्चर्य तो लगा कि ये क्या है माहौल, एकदम से जो अपेक्षित था कि भाई सामने मतलब थोड़ा गुस्सा वाला माहौल होगा या बिगड़ा हुआ घर का माहौल होगा, उसकी जगह पे तो ये मुझे ऑफ़र कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे कहीं ताना मार रही हैं। लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लगा नहीं, तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, अगर आप कॉफ़ी साथ में लेने वाली हैं तो बना दीजिए, अपने दोनों साथ में कॉफ़ी लेंगे। लेकिन बच्चे कहाँ हैं? तो पत्नी ने कहा अरे आपको पता नहीं है, आपके बॉस 5:15 बजे आए थे और वे बच्चों को लेके मेले में गए हैं। यह सुनते ही उस वैज्ञानिक को अपना वादा पूरा करने का एक अजीब सा संतोष मिला, एक ऐसा संतोष जिसे खरीदा नहीं जा सकता। आप खुद भी इस बात को महसूस कीजिए कि इस माहौल में से तुरंत किसने निकाला, बॉस ने निकाला। अब ये जो माहौल बना, इस माहौल से क्या हुआ, इस माहौल से उस वैज्ञानिक की अपने
बॉस के प्रति, अपने एक मैनेजमेंट के प्रति एक वफादारी कायम हो गई। अब ये काम जो बॉस ने किया था, क्या उनको ये रोज करना पड़ता है? नहीं, मैनेजमेंट उनके एम्प्लॉयज का, उनके परिवार का अगर ध्यान रखता है तो बदले में एम्प्लॉय का पूरी वफादारी, एम्प्लॉय की पूरी वफादारी और श्रद्धा, सब कुछ मिलता है। लेकिन ज़रूरत है मैनेजमेंट को ध्यान देने की। आप जानना चाहेंगे वो जो बॉस जो बच्चों को लेकर गए थे मेले में, वो कौन थे? वो थे हमारे देश के राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब, इनके पास था ये आदर्श मैनेजमेंट का नुस्खा, और ये जो आदर्श मैनेजमेंट है वो करते थे। तो इस कहानी से हमें सीखना चाहिए और हमारी कंपनी के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हम अपनी कंपनी के अंदर ऐसा आदर्श माहौल रखेंगे, आदर्श स्थिति बनाएंगे जहाँ पर हम सबकी चिंता करेंगे, तो स्वाभाविक है सब मैनेजमेंट की चिंता करेंगे, सब कंपनी की चिंता करेंगे। और जब कंपनी की चिंता करेंगे तो कंपनी स्वाभाविक है प्रगति करेगी, आगे बढ़ेगी और एक आदर्श कहानी बनेगी। खुश रहो, तरक्की करो।